thank you नमस्कार एशिया न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है मैं प्रिया आपके साथ 27 दिसंबर 2022 को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय में इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन द्वारा आयोजित एक वार्षिक अधिवेशन के उद्घाटन समारोह के अवसर पर माननीय राज्यपाल महोदय का संबोधन इंडियन इकोनॉमिक एसोसिएशन के इस एक वार्षिक अधिवेशन में आप सबके बीच सम्मिलित होकर बहुत प्रसन्नता हो रही है खुशी है कि इस अधिवेशन में देश भर के कई अर्थशास्त्री शोधकर्ता व नीति निर्माता सम्मिलित हैं 1917 में स्थापित इस, इस एस एसोसिएशन की एक लंबी समृद्ध शैक्षणिक विरासत है इसकी स्थापना आर्थिक विज्ञान के सैद्धांतिक और नीति संबंधी मुद्दों पर बहस और चर्चा के लिए एक मंच प्रदान के उद्देश्य से की गई थी इसका उद्देश्य अर्थशास्त्र में अध्ययन अध्यापन और शोध के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर चिंतन और विमर्श करना भी है आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है हमने अपनी अर्थव्यवस्था को 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है सभी को आवास पेयजल व बिजली आपूर्ति का भी लक्ष्य है इसके लिए नीतिगत कार्रवाई प्रौद्योगिक एवं वित्तीय संसाधन की दिशा में कार्य की जा रही है जीएसटी रिटर्न की संख्या में वृद्धि अर्थव्यवस्था में मजबूती का संकेत देती है इससे प्रगति की प्रक्रिया तेज होगी माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा स्किल इंडिया स्टार्टअप इंडिया मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किए गए हैं जो विकास को प्रगति प्रदान करेंगे अब देश में लड़ाकू जेट हेलीकॉप्टर पंडुबी विमान वाहक मिसाइल इत्यादि का निर्माण किया जा रहा है और रक्षा उत्पाद के क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर हो रहा है अंतरिक्ष विज्ञान में भी भारत ने काफी उपलब्धि हासिल की प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकल फॉर वोकल ग्रामीण अर्थव्यवस्था व लघु अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में अत्यंत सार्थक है इसमें कोई शक नहीं कि भारत ने हर दिशा में प्रगति की है हम शिक्षा की बात करें तो वर्ष उन्नीस में साक्षरता मात्र 12 प्रतिशत थी जो आज बढ़कर चौहत्तर प्रतिशत से अधिक हो गई है भारतीय रेल दुनिया के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्कों में से एक है देश ने पर्यटन संचार और सूचना प्रौद्योगिकी रक्षा ऊर्जा पर्यावरण उद्योग परिवहन जल संसाधन व ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है ये सब नए भारत का उदय का परिचायक है भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक आधारभूत स्तंभ रहा है कभी खाद्यान्न की कमी से जूझने वाला भारत अब आत्मनिर्भर भारत बन खाद्यान्न का निर्यात कर रहा है कृषि नवाचार ने भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है यह क्षेत्र द्वितीयक उद्योगों के लिए प्राथमिक उत्पाद भी उपलब्ध करवाता है कृषि क्षेत्र में सिंचाई संबंधी सुविधाओं के अभाव के कारण मानसून पर निर्भरता छोटे एवं सीमांत जोत की समस्या बाजार एवं प्रौद्योगिक व तकनीक का अभाव के साथ जलवायु परिवर्तन तथा रासायनिक खादों के प्रयोग के कारण भारतीय कृषि क्षेत्र में समस्या देखी जा सकती है सिंचाई सुविधाओं के विकास के साथ साथ कृषि के नए तकनीक एवं कृषि उत्पाद के लिए बाजार एवं इससे उचित मूल्य के लिए सरकार प्रतिबद्ध है एवं इस दिशा में भी कार्यवाही की जा रही है ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए कृषि के अलावा गैर कृषि गतिविधियां भी समान रूप से महत्वपूर्ण है हमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे भंडारण और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना होगा ग्रामीण स्तर पर खाद प्रसंस्करण उद्योग को भी बढ़ावा देने की आवश्यकता है आशा है कि इस सम्मेलन में विभिन्न व्यापक मुद्दों पर चर्चा होगी जो राष्ट्र हित में सार्थक सिद्ध होगा जय हिंद बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ धन्यवाद